बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले दिल्ली में हैं और विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं आपको बता दें कि इस वक्त जदयू कार्यालय की जो तस्वीर है वो दुल्हन की तरह सजाई गई है। ये देखिए किस तरीके से जो जदयू कार्यालय के बाहर जो बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं और बाबा साहब का जो सपना है वो अधूरा है, वो नीतीश कुमार पूरा करेंगे, ये स्लोगन दिया गया है। ऊपर में देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, हम इधर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बाबा साहब का जो सपना है वो जो सपना रहा वो अधूरा है, वो नीतीश कुमार कर रहे हैं पूरा। वहीं आपको बता दें कि भीम चौपाल एवं संकल्प होगा, यानी आज जो है वो भीम चौपाल एवं संकल्प होगा। और देखिए किस तरीके से जदयू कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं और पूरी तरीके से दुल्हन की तरह यहाँ पर जदयू कार्यालय के बाहर सजाया गया है। और कल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ऐसे में जदयू कार्यालय की जो हलचल है वो तेज है और तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और पूरी तरीके से नीतीश कुमार बस कुछ ही देर में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे और तमाम नेताओं से, उन्होंने विपक्षी नेताओं से जो बीजेपी के विपक्ष में है उसके खिलाफ जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है और तमाम विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और दिल्ली से वो लौट रहे हैं। अभी वो बस कुछ ही घंटों में जो है वो पटना पहुँचेंगे और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं उसको किस तरीके से सजाया गया है। काम की बात एवं संकल्प और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से मेन जो द्वार है जदयू कार्यालय का, वहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जो है, जो स्टैचू है वो लगाई गई है और उसे पूरी तरीके से सजाया गया है। कल जो है पार्टी दफ्तर में जो है वो कार्यक्रम भी रखा गया है बापू कर्पूरी सभागार में और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाएगी। उसको लेकर जो है किस तरीके से जदयू कार्यालय पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाए गए हैं, टेंट वेंट भी लगाए गए हैं, तमाम जो लोग हैं नेता आने और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। तमाम जो तस्वीरें हैं जदयू के अंदर की वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं, अभी भी कार्य चल रहे हैं और कल इसे जो है रात वक्त तक पूरा कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यहाँ पहुँचेंगे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुँचेंगे और 132वीं जयंती जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की मनाई जाएगी। और ऐसे में जदयू कार्यालय पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा हुआ है और दुल्हन की तरह सजा कर रखा जा रहा है जदयू कार्यालय को, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती को कल मनाएंगे और ऐसे में उनके जो किए गए कार्य अभी अधूरे रह गए हैं उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 2024 में जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनको बनाया जाएगा और तब वो लाल किले पर फतेह करेंगे और उसके बाद जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा करेंगे। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहें देशजी न्यूज के लिए और देखते रहें देशजी। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।